नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। वैसे तो मृत्यु और काल के देवता यमराज को कहा जाता है, लेकिन इस देश की बेटी निर्भया के दरिंदों का काल बनकर आज हम सबके सामने खड़े हैं पवन जल्लाद। कहा जाता है कि चित्रगुप्त यमराज की सभा में पहले दोषी का काला चिट्ठा पढ़ते हैं और फिर यमराज खुद उसे सजा देते हैं, लेकिन यहाँ निर्भया के दोषियों के काले चिट्ठे की सुनवाई कोर्ट ने की और अब उनको फांसी पर चढ़ाएगा पवन जल्लाद। देश की वो बेटी निर्भया जिसको इंसाफ मिलने का इंतजार न केवल उसका परिवार कर रहा था बल्कि पूरा देश कर रहा था, उस रूह कपकपाने वाली वारदात के बाद निर्भया ने तो हम सबको अलविदा कह दिया, लेकिन उसको वो दर्द देने वाले दरिंदे आज तक जिंदा हैं। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इस घटना के बाद से लोगों में इतना रोष था कि कोर्ट का ये फैसला आने के बाद से ही इस देश का हर शख्स निर्भया के दोषियों को खुद जल्लाद बनकर फांसी पर लटकाना चाहता था, लेकिन निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने का काम मिला है पवन जल्लाद को। इसी को लेकर अब पवन जल्लाद की बेटियां भी सुर्खियों में आई हैं, जिनको फक्र है उनके पिता पर कि वो निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाएंगे। सुनिए आप कि पवन जल्लाद की बड़ी बेटी बेबी और छोटी बेटी पूजा ने क्या कहा है। पूजा, पवन कुमार जल्लाद है, काम यही है उनका। ये तीसरी पीढ़ी है वैसे तो, आगे तो मुझे पता नहीं। ठीक है, वैसे तो सही है, जो आगे जो काम करेंगे जो उन्हें भी पता लगे कि क्या सज़ा मिलती है। ये तो वैसे तो अच्छा तो है नहीं, फिर भी ठीक है मेरे हिसाब से, फांसी तो सही है इनके लिए। ये हो गए लगभग 10-15 साल हो गए करते हुए इस काम को। मेरे दादाजी गुजर गए थे अभी, तो उन्हें नौकरी मिली है। बेबी मेरे पापा जी हैं, ये जल्लाद का काम करते हैं, तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है हमारे। ये सरकार ने सही हो लिया है, आगे से दूसरे करेंगे, उन्हें सबक मिलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। आगे से उन्हें वो मिल जाएगा कि जो हम ये करेंगे तो हमें फिर फांसी मिलेगी दूसरों को। तो ऐसी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।